और योगी जी कहते हैं राम राज्य है, ये कैसा राम राज्य है? यहाँ तो दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बेरोजगारी कितना है और हम लोग एक तो दिव्यांग सर बहुत ही प्रॉब्लम है और कैसे कैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ये हमारे साथी ही जान रहे हैं सर। हम लोगों से प्री करवा के, मेंस करवा के, डीबी करवा के फिर लास्ट में कह दिया जाता है आप कार्य करने में सक्षम है। चार चार तल्ला पे हम जा करके एग्ज़ाम देते हैं, फिर यहाँ चार तल्ला पे जा करके हमने डीबी दिया, फिर आप कह देते हो कि आप कार्य करने में सक्षम हो, ये कहाँ का न्याय है? तो आप यूपी के जो इतने भी वैकेंसी हैं उसमें भी नहीं ले रहे तो फिर विकलांग जाएंगे कहाँ? हम अपना सर्वाइव कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? जब भी जाते हैं एक निराशा हाथ लगती है और जितनी बार भी जनता दरबार में आए हैं उतनी बार ही निराशा हाथ में लगी है। सर हम लोग के लिए स्पेशल कोई भर्ती आता नहीं जिसमें हमारी सीटें आ रही, वो भी हम उसमें भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएँ? योगी सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ हम लोगों का विकास कहाँ है? हम लोग तो यहाँ दर दर भटक रहे हैं। तो यहाँ पर विकलांग दिव्यांग लोग जो है संजय निषाद के आवास के बाहर आए हुए हैं और अपनी लेखपाल के भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो 188 लेखपाल सीट खाली पड़े हैं। अच्छा, तो ये तमाम पोस्टर हैं, ये आप लोग ने पहले भी प्रदर्शन किया है? हाँ, हम लोग जनवरी से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च में जब आचार संहिता लगी है तो हम लोग मतलब अपने आप को पीछे कर लिए थे कि इस समय धारा 144 हो गई है तो हम लोग नहीं करेंगे प्रोटेस्ट। बाकी हमारा इको गार्डन में भी धरना चल रहा है, हम मंत्री जी के पास भी आए हैं कि, और सुबह जनता दरबार में भी गए थे तो वहाँ हम बाबा से नहीं मिल पाए योगी जी से। और योगी जी बहुत अच्छे और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, फिर भी इनके अधिकारी जो हैं उनसे मिलवाते नहीं हम लोगों को। अब फिर हम लोग यहाँ निषाद जी के पास आए हैं कि यहाँ से भी कुछ सुनवाई हो जाए। हमारा जो हम लोगों से प्री करवा के, मेंस करवा के, डीबी करवा के फिर लास्ट में कह दिया जाता है आप कार्य करने में सक्षम है। चार चार तल्ला पे हम जा करके एग्ज़ाम देते हैं, फिर यहाँ चार तल्ला पे जा करके हमने डीबी दिया, फिर आप कह देते हो कि आप कार्य करने में सक्षम हो, ये कहाँ का न्याय है? सब कुछ किया उसके बाद कार्य करने में असक्षम है आप लोग, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तमाम जो है दिव्यांग जो है इधर उधर भटक रहे हैं अपनी मांग को लेकर। आप भी हैं? अच्छा, तो ये बताइए ये एग्ज़ाम देना सब कुछ उसके बाद से फिर ये कब से, 3 साल से ये चल रहा है? सर ये प्रोसेस लगभग 3 साल ही होने वाला है, 2022 मतलब पेट वाले से ही हम लोग हैं, 21 पेट है, उसके बाद 22 जो नोटिफिकेशन आया तभी से लगे हुए हैं सर। 2-3 साल हम लोग का लॉस जा रहा है और बहुत हर यूपी के हर ज़िले से लगभग, मैं अम्बेडकर नगर से पवन यादव ज्ञान जी, लगभग सभी उत्तरी सहारनपुर से सर, दूर दूर से। और सर जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग परेशान हैं, इको गार्डन और यहाँ गोरखपुर जनता दरबार, यहाँ जनता दरबार लगभग सर 20 बार 25 बार एक बार भी मुलाकात नहीं हुई सर। वो जो दीवार का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं उनसे मिलने ही नहीं देते। हम राजस्व परिषद लगभग 10-12 बार गए, विकलांग न्यायालय गए, विकलांग न्यायालय ने खुद माना कि इनका जियो जो है गलत है। अब अदर राज्यों में हमको लिया गया, हमारी जो कैटेगरी है जहाँ ये रिजेक्ट कर दिए हैं ओएच वालों को अदर राज्य वाले ले लिए हैं, जैसे एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और राजस्थान हुआ, यहाँ लिया गया है, केवल यूपी में ही नहीं लिया जा रहा है। और सर आप समझ ही सकते हैं बेरोजगारी कितना है और हम लोग एक तो दिव्यांग सर बहुत ही प्रॉब्लम है और कैसे कैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ये हमारे साथी ही जान रहे हैं सर, बहुत कष्ट हुआ। हमारी यही मांग है सर कि हमारी जो 188 सीटें खाली उसको भरी जाएँ और आगे आने वाली वैकेंसी में भी हमारी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो जाए। अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप लोग सर? हम लोग सर क्या लगातार क्या कर रहे थे? सर तैयारी, कोई तैयारी कर रहा है, कोई अपना कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई किराना की दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है, ऐसा अपन जीवन निर्वाह कर रहे हैं सर। बेरोजगारी में करे क्या सर कोई? इसी क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 35 उम्र है सर। अच्छा, 3 साल पहले एग्जाम दिया था? जी जी बिल्कुल सर। अभी तक रिजल्ट नहीं है सर? कोई रिजल्ट नहीं है, योगी जी से यही गुहार लगा रहे हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं और 188 पद जो खाली हैं दिव्यांगों के, वो 188 पदों पर रिजल्ट जारी करवाएं हम दिव्यांगों को, क्योंकि सभी के घर वाले इतने सक्षम नहीं हैं, कोई कैसे भी है समझे। हम दिव्यांगों को बड़ी समाज में बड़ी स्थिति से, बुरी स्थिति से देखा जाता है, एक लाभ मिला उपलब्ध हुआ उसको भी नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें क्या करें सर? जगह जगह भटके हैं, कहीं भी आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण विकलांगों को कहाँ दिया जा रहा है? 4% आरक्षण है, किस में दे रहे हैं? डिफेंस में लेते नहीं हैं आप लोग, कभी डिफेंस में लोगे भी नहीं तो आप यूपी के जो इतने भी वैकेंसी हैं उसमें भी नहीं ले रहे तो फिर विकलांग जाएंगे कहाँ? हम अपना सर्वाइव कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहीं भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, तो इतना बड़ा जो प्रशासन के ये जो विफलता है शासन प्रशासन का, तो आपको क्या, आपको क्यों उम्मीद है कि आप लोग का ये चीज़ हो जाएगा?
सर योगी जी हैं, एक्चुअल में क्या है कि उनके जितने पर भी अधिकारीगढ़ हैं वो हमसे पहले तो उनसे मिलने नहीं देते, और जो भी करा रहे हैं वही करा रहे हैं। योगी जी से इसलिए हमें मांग मतलब उम्मीद है कि वो एक न्यायप्रिय हैं, अच्छे हैं, जनता के हित में सोचते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाएं, हम लोगों की तरफ देखें। हम दिव्यांग बड़ी असहाय स्थिति में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सहारनपुर से हूँ, लगभग 650 किलोमीटर से, मतलब एक ऐसा विकलांग डब्बे में बैठ के सर मतलब कमर दर्द करने लगती है, और यहाँ तक आते हैं, यहाँ से जब भी जाते हैं एक निराशा हाथ लगती है, और जितनी बार भी जनता दरबार में आए हैं उतनी बार ही निराशा हाथ में लगी है। मतलब हम ये सोच के आए थे कि एक राम राज्य है, लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा, लेकिन सर हमने जितना धरना प्रदर्शन कर लिया, विधानसभा जाकर भवन पर भी हमने प्रदर्शन कर लिया, हर जगह जाके हमने देख लिया, हमें देखा कि इस सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है सर, हम लोग के लिए स्पेशल कोई भर्ती आता नहीं, जिसमें हमारी सीटें आ रही वो भी हम उसमें भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाए, किस विभाग में अप्लाई करें जो हम लोग के लिए जी। एक एक अवसाद में आके आत्महत्या कर लिया, घर का इकलौता अपना गाजीपुर का एक अभिषेक नाम का लड़का गाजीपुर से था, तो उसने जब इसका डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, नहीं शो किया, तो उसने आत्महत्या कर लिया। वो अपने माई बाप का अकेला लड़का था। सर हम गोंडा से आते हैं और योगी जी कहते हैं राम राज्य है, ये कैसा राम राज्य है? यहाँ तो दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारे ही कैटेगरी के लगभग 39 या 40 दिव्यांग को जनरल OBC SC जो अपना क्राइटेरिया पार किए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है इसमें, और हम लोगों को कह रहे हैं कार्य करने में असक्षम है, ये कैसी बात हुई? एक बात है, तो आप भी आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम सर कानपुर से आए हुए हैं। हमारी योगी जी से यही विनती है कि हम लोग प्री पास किए, मेंस पास किए, DV कराए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट से हम लोगों को बाहर कर दिया गया, ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। योगी सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ हम लोगों का विकास कहाँ है? हम लोग तो यहाँ दर दर भटक रहे हैं, कहीं इस मंत्री के पास, कहीं उस मंत्री के पास, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हम लोग समाज के सबसे वंचित लोग हैं, लेकिन योगी महाराज हम लोगों पर थोड़ी कृपा नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद अपनी सरकार बचा नहीं पा रहे हैं तो आप पे क्या ही कृपा करेंगे, लेकिन ये विकलांग हैं, इन्होंने एक ही आप लोग मतलब जो भी भर्तियां निकलती हैं तो 188 खाली सीटें हैं छोड़ दी गई हैं, और तीन साल हो गए हैं इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था और अभी तक रिजल्ट नहीं। मतलब बेरोजगारी जो है वो देश या प्रदेश में चरम सीमा पे है, उस कंडीशन में विकलांगों की 188 सीट खाली रखना कैसा न्याय है? 30 जुलाई 2021 को जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया तो उसमें शासनादेश में 152 पेज का शासनादेश है, जिसमें 68 विभाग चिन्हित किए गए, उस 68 विभाग के मैक्सिमम विभागों में विकलांगों को बाहर कर दिया गया है। अगर ये सरकार विकलांगों को नौकरी नहीं देगी, सरकारी नौकरी से बाहर करने के लिए शासनादेश जारी कर देगी, तो प्राइवेट सेक्टर विकलांगों को नौकरी क्यों देगा? वो एक विकलांग के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाएगा? यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो 188 सीट खाली है उस पर जल्द से जल्द हमारी रिजल्ट जारी किया जाए। बिल्कुल, तो ये इस समय संजय निषाद के वहाँ, हालांकि कई मंत्रियों, विधान मुख्यमंत्री आवास, कई जगह ये लोग गए हैं, धरना प्रदर्शन दिया, तमाम चीज़ें, लेकिन अब हार कर दूर दूर से आते हैं, विकलांग हैं, किस तरह से संघर्ष करके लोग यहाँ लखनऊ आते हैं, लखनऊ में इस तरह मंत्रियों के, अधिकारियों के घर बाहर जाते हैं कि कोई हमारी सुने, लेकिन इसी तरह हर समय इन्हें निराशा हाथ लगती है। 188 पद खाली पड़े हैं, उनमें इन विकलांगों को एक सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो भी शायद इस सरकार से नागवारा है। तो आज हर देश का जितना भी हुआ है वो इन्हीं के तरह आज वो भी बिना नौकरी के बैठा हुआ है, भर्तियां नहीं आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये इतनी बड़ी विफलता है, लेकिन सरकार अपने नशे में चूर है, अपनी चीज़ों में चूर है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, इसी तरह पूरे लखनऊ में पता नहीं कितने प्रदर्शन चल रहे हैं, आज सुबह भी प्रदर्शन था, आज ये प्रदर्शन नहीं कहेंगे तो अपनी मांग को लेकर आए हैं, लेकिन मंत्री जी शायद अब निकल रहे हैं और मिलेंगे वो कम ही आसार हैं। देखिए क्या कुछ होता है। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, लखनऊ से।